नमस्कार, मैं दीपिका बी मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। लगभग हर बच्चा कभी न कभी खेलते हुए जो है बिस्तर पर से गिर ही जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं स्पेशली जो 3 मंथ प्लस बच्चे होते हैं और 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 3 मंथ प्लस से लेकर के जो 1.5 ईयर तक के बच्चे होते हैं, वो इस टाइम पर जो है 3 मंथ प्लस बच्चा अगर हो गया है तो बच्चा जो है करवट लेना सीख जाता है, बच्चा बैठना सीख जाता है, बच्चा स्क्रोल करना सीख जाता है, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है वो बच्चे जो है धीरे धीरे जो है करना सीख जाते हैं। तो जब बच्चा 3 मंथ प्लस होता है तो उनकी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है, और जब बच्चा छोटा होता है तो उनका जो ज़्यादातर टाइम होता है वो बेड के ऊपर ही गुजरता है, बच्चा करवट लेना भी जो है बेड के ऊपर ही सीखते हैं। तो ऐसे में बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर आपका जो ध्यान है थोड़ा भी हटा तो बच्चा जो है बेड पर से गिर जाएगा। बड़ों की तुलना बच्चों का जो स्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा गिर गया ना तो चोट के वजह से नहीं, बच्चे जो गिरते हैं वो जो धक्का सा होने लगता है वो इस वजह से जो है रोने लगते हैं। पर फिर भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर बच्चा जो है गिर जाए तो उन पर हमें तभी के तभी हमें देखना चाहिए कि बच्चे को जो है कहीं कोई गंभीर चोट तो नहीं लग गई है, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है, बोल तो नहीं सकते ना कि मुझे मम्मा यहाँ पे चोट लग गई है या मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अधिकांश मामलों में यानी कि ज़्यादातर जो है बच्चे जब बेड पे से गिरते हैं तो कोई गंभीर चोट नहीं लगता है, पर फिर भी बच्चा बहुत छोटा होता है इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा बेड पे से भी गिर जाए या बच्चा अगर जो है स्क्रॉल करना सीख रहा है, फिर भी अगर उनका बैलेंस जो है थोड़ा सा भी डगमगाया और बच्चा जो है किसी चीज़ से टकरा गया तो भी हमें देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे को कहीं कोई गंभीर चोट तो नहीं लग गई है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चा जो है अगर गिर जाए तो हमें क्या चीज़ें हैं जो तभी के तभी करनी चाहिए, प्लस हम ये भी जानेंगे कि बच्चे को जो है किस तरह से हम गिरने से बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में हम देखते हैं, जानते हैं और बातें करते हैं। और अगर आपके लिए जो ये वीडियो हो वो इन्फॉर्मेटिव हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही जिनके घर में कि नन्हा मेहमान आया हुआ है उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं। तो ये वीडियो अगर आप उनके साथ शेयर करेंगी तो हो सकता है कि उन्हें इससे कुछ जो है टिप मिल जाए और उनकी हेल्प हो जाए, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने बींग मम्मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने जो बेल आइकॉन है उसे भी जो है ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर बच्चा गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें नंबर 1 पर आता है कि बच्चा अगर गिर जाए ना तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिए कि बच्चे को जो है कहीं स्वेल तो नहीं आ रहा है, मतलब कहीं सूजन तो नहीं हो गया है या कोई कट तो नहीं आ गया है बच्चे को। इन चीज़ों का आप पहले अच्छे तरह से जो है इस चीज़ का निरीक्षण कर लीजिए कि बच्चे को इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हो गई है। और दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा जो है गिरने के थोड़े देर के बाद जो है आराम से सो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ खतरनाक नहीं होता है, आप बच्चे को सोने दीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा जो है गिर गया है और रोते रोते खूब जोर से वो रो रहे हैं और रोते रोते जो है वो सो जाए तो फिर आपको तभी के तभी जो है बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा गिरने के बाद है ना, बच्चे को गिरने के बाद आप उनकी आंखों में देखिए कि बच्चा जो है फोकस कर पा रहा है कि नहीं, मतलब बच्चे की जो आंखें हैं वो ठीक तो है, आपको इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर ऐसा हो ना कि बच्चा गिर गया उसके बाद जो बच्चा उल्टी कर रहा है या बच्चे को जो है तेज बुखार आ जाता है तो भी आपको तभी के तभी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा गिर जाते हैं और उसके कुछ दिनों में आप ये नोटिस करते हो ना कि बच्चा जो है बहुत ही शांत शांत से रहते हैं, बहुत ही सुस्त सुस्त से दिखाई देते हैं, मतलब कि जो उनकी एक्टिविटी वो करते थे वो चीज़ें वो नहीं करते हैं और बहुत ही शांत शांत से आपको लगते हैं, तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको डॉक्टर के साथ जो है पूरी बात डिस्कस करनी चाहिए कि बच्चे के साथ क्या हुआ था और बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई गंभीर चोट बच्चे को लग गई है जो हम बाहर से नहीं देख पा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर बच्चे को जो है परेशान कर रहा है, इसलिए इस चीज़ को आपको डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेड पर से यानी कि जो बिस्तर होता है उसके ऊपर से गिरने से हम कैसे बचा सकते हैं। स्टार्टिंग डेज में जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका ज़्यादातर जो टाइम होता है वो लेटे लेटे ही गुजरता है, इसलिए बहुत ही स्वाभाविक है कि बच्चा जो है अपना ज़्यादातर टाइम जो है बेड के ऊपर गुजारेगा।
तो अगर आप एक घर में अकेली रहती हैं और आपके साथ कोई बड़ा नहीं रहता है, तो ऐसे में घर का काम करते हुए बच्चे को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं ना, कि आप जो है ना बच्चे के लिए एक ऐसा कॉट लीजिए जिसके कि चारों ओर जो है वो ग्रिल लगा हो, यानी कि बच्चा जो है उस ग्रिल को क्रॉस ना कर पाए और बच्चा गिरे ना। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो बच्चे का जो बेड होता है ना, अगर आप कुछ काम कर रही हैं तो बच्चे का बेड जो होता है वो नीचे जमीन के ऊपर लगाइए, जमीन के ऊपर जो है वो गद्दा बिछाइए, चटाई बिछाइए, और उसके ऊपर जो है बच्चे को सुलाइए, तो बच्चा जो है ना उनको चोट नहीं लगेगा। आप ये कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसी भी कलरफुल चीज को देख करके ना उनको वो चीज चाहिए ही होता है, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो बेड है उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज ना रखें आप जिससे कि बच्चे को चोट लग सकती है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा होता है ना कि हम जहाँ सोते हैं वहाँ अपने लिए पानी का जो बॉटल रख देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी आंख लग गई और बच्चा जो है वो उठ गए और उनके लिए वो बॉटल जो है कलरफुल जो है उनको कुछ चाहिए, तो बच्चा हो सकता है कि उस चीज को अपने अपने पास लेने के लिए वो बॉटल जो है अपने ऊपर गिरा ले, तो बच्चे को इससे भी चोट लग सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा ही गिरे, हो सकता है कि उन पर भी कोई चीज गिर जाए, तो इससे भी बच्चे को जो है खतरनाक चोट लग सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जहां आप सुलाती हैं वहां पर कोई भी ऐसी चीज ना रखे जिससे कि बच्चे को चोट लग जाए। थर्ड पॉइंट है कि जो बच्चे का बेड होता है, यानी जहाँ पर आप बच्चे को सुलाती हैं, उसके लिए ना बेड गार्ड का जो है वो यूज़ कीजिए। अगर आप बेड गार्ड यूज़ करेंगी ना, तो बच्चा जो है वो नहीं गिरेगा। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा, या फिर जहाँ पर भी बच्चों का सामान मिलता है वहाँ पर भी अगर आप बोलेंगी ना कि मुझे बेड गार्ड चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी जो है बच्चा बेड पर से नहीं गिरेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर बच्चे को आप बेड पर सुला रही हैं और आप भी जो है बच्चे के साथ सोने वाली हैं, तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि बच्चा जब बेड पे सोया है और आप भी उनके साथ जब सोती है ना, तो आपको एक गहरी वाली जो नींद होती है वो आ जाती है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि बच्चे की जो नींद है वो बीच में ही खुल जाए, यानी कि बच्चा उठ जाए और बच्चा आप सोई रहेंगी और बच्चा जो है बेड से गिर जाए। इसलिए जब आप बच्चे के साथ बेड पर भी सो रही है ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस तरफ सो रही हैं उस तरफ छोड़ करके बाकी का जो भी साइड है वहाँ पर आप तकिए से जो है ना एक दीवार की तरह जो है बना दीजिए, ताकि बच्चा जो है उसको क्रॉस ना कर पाए। बच्चे से थोड़ा सा बड़ा वाला जो दीवार होता है वो बनाने की कोशिश कीजिए, तकिए पिलो जो होते हैं उनसे। अगर ये नहीं है तो जो कंबल होता है ना उसको भी आप गोल गोल मोड़ करके उससे भी आप जिस तरफ सो रही हैं उस तरफ को छोड़ करके एक दीवार जैसा क्रिएट कर दीजिए, ताकि बच्चा उसको क्रॉस करके ना गिर पाए। और क्या सावधानी बरत सकती हैं आप, जैसे बच्चा आपके पास सोए हुए हैं और आप भी सो रही हैं, तो आपकी जो चुन्नी होती है, जो आपका दुपट्टा होता है, नॉर्मली तो सारे बच्चे आजकल हम सब लोग जो है बच्चे के हाथ में कड़ा पहनाते हैं, तो जो आपका दुपट्टा है ना उनके कड़े में बिल्कुल हल्के हाथ से बांध दीजिए, ताकि बच्चे को मत बांधिए, उनके कड़े को बांध दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चा जब भी उठेंगे, करवट लेंगे या बैठेंगे, तो दुपट्टा या जो आपने चुन्नी लिया हुआ है वो हल्का सा जो है खींचेगा, तो इससे भी आपकी जो नींद है ना वो फटाक से खुल जाएगी, तो बच्चा गिरेगा नहीं, उससे पहले ही आप उठ जाएंगी। तो ये सारे प्रिकॉशन, यानी इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगी, तो बच्चे को आप बेड पर से गिरने से बचा सकती हैं। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर हाँ, तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने बिग मम्मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं हमेशा लेकर आते रहते हैं।